सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों आज ऑफिस चलेंगे और ऑफिस जा करके काम ये है कि हमारे एक सीनियर है, उन्होंने फ़ोन मंगाया था, मोटोरोला एज 14 यू, वो आएगा और उसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी। हम लोग देखेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। और उसके बाद दोस्तों आज का प्लान ये है ना कि गेट पास लेंगे, मतलब जल्दी ही लेकर के छुट्टी और निकलेंगे लुधियाने के लिए। लुधियाने के लिए हमारी जो ट्रेन है वो रात को है। चलिए वो बाकी डिटेल मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं ऑफिस। और ऑफिस से पहले आपको मोबाइल वो ओपन बॉक्स डिलीवरी दिखा लेते हैं। ऑफिस में ज़्यादा टाइम वैसे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी नहीं, तो थोड़ा बहुत दिखा करके और फिर शाम को ही शुरू करेंगे ब्लॉग। 2176 पकड़ो सर, इसको पकड़ो। 68 है 9972 4 4 6 3 9 7। इसको खोलो, इसको इसका कवर खोलिए, बड़े प्यार से खोलिएगा, आराम से, सतर्कता से, शकल पे थोड़ी खुशी दिखा दो सर। आराम से मोबाइल कवर इसका कवर कवर नहीं होता इसमें होगा इसमें दिया है। हाँ कवर ही है, ये कवर होगा इसके अंदर। कम है, ऑन कर लो इसको। ग्लास भी होगा इसमें, ग्लास है सर? नहीं ग्लास नहीं होगा इसका, ग्लास ही अकेले 500 का आएगा, 400-500। बोल दिया सर हेलो मोटो, तरीके से लगाओ इसको। OTP बताऊँ मैं, 5944833। सेटिस्फाइड, फोन सही है। रुको पहले पूरा पैकिंग। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं बाहर और जैसे जैसे दिवाली आ रही है भाई, मार्केटिंग बहुत तगड़ी होती जा रही है सामानों की। देखो जैसे बम पटाखे अब तक मेट्रोपॉलिस में नहीं थे हमारे यहाँ, अब यहाँ पर दुकान लग गई है। अगर बम पटाखे खरीदने हैं तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मिल जाएगा। और ये हमारा मेन गेट मेट्रोपॉलिस, ये रही हमारी मेट्रोपॉलिस सिटी। लाइटें लगी हैं पर जला नहीं रहा है कोई यार। अभी गई शाम के 6 भी नहीं बजे, देख रहे हो कितना अंधेरा हो गया है भाई। मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और भाई हम लोग रोड पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली गाइज रुद्रपुर रोडवेज आ चुके हैं। तो गाइज हमारी गाड़ी जो है, मतलब हम लोग लुधियाने जा रहे हैं ना, तो हमारी गाड़ी दोस्तों रामपुर से है और रामपुर हमें बाई रोड ही जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर पड़ेगा रुद्रपुर से। तो उसके लिए आए हैं हम रुद्रपुर रोडवेज बस स्टैंड, यहीं से बस लेते हैं और चलते हैं लुधियाना। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है भाई, आज लाइट वाइट नहीं जल रही है, हालांकि इन लोगों ने झालर वगैरह लगा रखा है। ज़्यादा बसें भी नहीं हैं, दिल्ली आनंद विहार अमरोहा डिपो खड़ी है और भी कुछ गाड़ियां हैं। भीड़ बहुत हो रही है भाई, दो बस तो आ रही है
रामपुर चलेगा दोस्तों। अमरोहा डिपो यूपी रोडवेज है, चलिए इसी से चलते हैं रामपुर। बस तो एकदम नई नई है और बस का सीन आप देख सकते हैं। दोस्तों रामपुर रामपुरी चाकू की वजह से फेमस हुआ है। रामपुरी चाकू आप देखे होंगे पेंट वाला, अब वो चूंकि उसका ट्रेंड चला गया है तो उसी रामपुरी चाकू के ही नाम पर एक रामपुरी चौक बनाया गया है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रामपुरी चाकू रखा गया है और ये वास्तविक चाकू है, कोई मॉडल नहीं है। अब सामने आप देखिए ये जो रामपुरी आपको दिख रही होगी, चाकू दिख रही होगी, ये रामपुरी चाकू है और इसी को रामपुरी चौक कहते हैं और सबसे बड़ी चाकू, दुनिया की सबसे बड़ी चाकू यही है। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रामपुर और सामने इंडियन रेलवे भी दिख रहा है, यानी कि रेलवे स्टेशन बगल में चलेंगे। दोस्तों यहीं पुलिस चौकी है छोटी सी और बैनर सेल्फी स्टिक लगा हुआ, मतलब सेल्फी पॉइंट है हमारा रामपुर। रामपुर रेलवे स्टेशन बिल्कुल मैं कहूँगा एकदम रोड पर ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत चलना पड़ा, भाई बगल में ही है। पर हम आए तो भाई थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी तो चाय पी और मतलब टिक्की खाया, आलू टिक्की, और अब चल रहे हैं रेलवे स्टेशन। अब खाना तो खैर खाना ही है, इतना तो बस नाश्ता। स्टेशन के साइड का एरिया है ये, मतलब समझ लीजिए कि ये यहाँ का सबसे घना एरिया है क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत घनी आबादी होती है, घनी दुकानें होती हैं, तो ये ऐसा ही है। सात बज के 31 मिनट हो रहे हैं और हमारी ट्रेन है गंगा सतलज, टाइम होगा 9 बजे, तो हम सोचे कुछ खाना खा लेते हैं। तो देखो भाई मेन्यू आ गई है, कुछ खाना खा ले रहे हैं और खाने में हम लोगों ने रोटी और पनीर मंगाया है, बस वही खा करके हम निकलेंगे यहाँ से। पंजाबी ढाबा में भाई खाना खा लिया, चलेंगे रेलवे स्टेशन। सामने रेलवे स्टेशन है देख सकते हैं, सोच रहे हैं कुछ पास टाइम के लिए खरीद लें क्योंकि समय तो ट्रेन तो डिले है ही, तो पास टाइम में सोच रहे हैं मूंगफली ले लें, नमक के साथ मज़ा आएगा। ये रामपुर सिटी है, गर्मा गर्म ले लिए भाई, अब चलिए चलते हैं। आज शनिवार है, अंडे वंडे से परहेज। और फाइनली हम लोग इधर गुरु ग्रंथ साहिब द्वार है, ठीक है भाई, जो रामपुर का है जरा हमें बताए। और इस तरह हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए हैं। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में भाई टिकट घर है, रिजर्वेशन या जनरल जो भी लेना है आप इधर ही से ले लीजिए। और ये फ्रंट है स्टेशन की का। एंट्री भाई दो तरीके से हो सकती है, यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या फिर वहाँ मेन गेट से। तो चूँकि भाई हम पहली बार रामपुर जंक्शन में जा रहे हैं तो हम लेंगे पहले एकदम मेन गेट से एंट्री, एकदम बढ़िया। उत्तर रेलवे रामपुर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, टिकट आपको वहीं से लेना पड़ेगा, हमारा तो पहले रिजर्वेशन है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा अंदर ही चलेंगे।
क्या बात है भाई, POW लिखा बहुत कुछ था पर सब मिट गया। दोस्तों इस स्टेशन की मुझे खास बात लगी, देखिए एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अब शायद इस टाइम नहीं हो, कोई और टाइम होता हो, और इसके साथ प्रतीक्षालय भी अच्छा खासा दिया हुआ है, अंदर पे एंड यूज वाला सिस्टम है, वॉशरूम आज जाना है ले आप पे कीजिए और यूज कीजिए, ऐसी व्यवस्था है, साफ़ सुथरा, 1 2 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं। और दोस्तों रामपुर जंक्शन है ना, तो यहाँ से देखिए दोस्तों ट्रेन बन के चलेगी भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए राइट साइड में, अब पता नहीं ट्रेन जाती है नहीं जाती है वो हमें नहीं पता, पर राइट साइड में आप देखेंगे तो पटरियाँ आकर ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे। आपको चलिए दिखाता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पटरी आकर के ख़त्म हो रही है, डेड एंड। अब पता नहीं इधर ट्रेन आती है नहीं आती है, कोई पता तो नहीं है, लेकिन ये तो टर्मिनल हो गया भाई, यहीं से ट्रेन बन के चल सकती है। अब यहाँ के लोग बताएंगे भाई, बताएं जरा। बाकी RPF चौकी यहीं है बगल में। दोस्तों हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी और 9 बजे आएगी, मतलब कि 1 घंटे डिले पर, 1 घंटा कहाँ, हाँ 1 घंटे की डिले पर चल रही है। तो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अभी चलते हैं, पता नहीं भीड़ होगी आगे नहीं होगी क्या पता, चलिए चल चलते हैं, बाकी आपको दिखाते चलेंगे। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही आपको उधर रोड दिख रहा है साफ साफ, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। ओके मुझे लग रहा है दोस्तों ये यहाँ का लोडिंग अनलोडिंग वाला एरिया है, मालगाड़ी का एक डिब्बा खड़ा है वहाँ पे, हो सकता है। काठगोदाम दिल्ली, यही रुद्रपुर सिटी को जाएगी, इसी ट्रेन से हम रुद्रपुर गए थे, तो वही ये वही ट्रेन है, यहाँ रुकेगी, अगर इसको मैं पकड़ूँ तो फिर वापस रुद्रपुर सिटी जा सकता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगे लग रही है, लेकिन वो गरीब रथ थी, ये दूसरी है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से, काठगोदाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नाम है इस ट्रेन का, इतना आगे जाके रोका है, देख रहे हो दोस्तों प्लेटफॉर्म पर आकर के इसका पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, इतना आगे छोड़ा है। ओ भाई, ओहो चोट लगी होगी, बहुत तेज लगी होगी मुंह पे। इतना पीछे आगे तक ले गया है कि ट्रेन का पीछे का पोर्शन दिख रहा है, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, आगे ही लेके चला गया है पूरा ट्रेन।